हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रून चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल कंपनी के बारे में जिसका जो बिजनेस है वो है फाइबर ऑप्टिकल की जो भी केबल्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट की जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो या फिर उसके थ्रू आप जो भी कुछ काम करते हो या फिर आप टेलीकॉम आप एक दूसरे से बात करते हो तो उसके थ्रू जो भी बिजनेस होता है वो ये कंपनी संभालती है। और इसका जो इसके पास जो बिजनेस के जो पेटेंट्स हैं, इसने जो टेक्नोलॉजी इस मार्केट में डेवलप की है उसके पास इसके 425 पेटेंट्स हैं। और जो इसका बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि 150 प्लस कंट्रीज में इसका जो बिजनेस है वो होता है। और यह कंपनी फाउंड हुई थी 1988 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे में। और इसकी जो मार्केट बहुत सारी सब्सिडीज भी उसके अंदर से एक का नाम है अलाइट को टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और दूसरी है दैट इज स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड कंपनी की इसकी मार्केट में सब्सिडीज भी। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड कंपनी। तो उसी कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले हैं, दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करने वाले। कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी का जो मार्केट में प्रेजेंस है, आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो इस तरह की हर चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपके सामने हर कंपनी को अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके। अगर आपको भी कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए ताकि उसका भी एनालिसिस हम आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज स्टरलाइट जो कंपनी है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो टोटली किस पे प्राइमरी एंगेज है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन, दैट इज जो भी टेली कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है या प्रोडक्ट्स होता है या फिर सर्विसेज होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से और ज़्यादा इफेक्टिव, 4G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी उसको ज़्यादा इफेक्टिव किस तरह से किया जाए, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारे अदर कंट्रीज में किस तरह से उसका बिजनेस हो पाता है तो वो कंपनी ये करती है, दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आपको बता दूं कि इसका जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट उसके अलग अलग मतलब उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में इसका जो बिजनेस होता है जैसे कि इंडिया, चाइना, US, यूरोप, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है। कंपनी के मार्केट डेटा के बारे में बात करूँ, दैट इज कंपनी के डेटा के बारे में बात करूँ तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है 6,423.43 करोड़ रुपीज़ का। दैट इज कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो इनटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको मिल जाएगा। कंपनी की बात करें तो दैट इज इंडस्ट्री का जो पी है, इसके जो भी कंपिटिटर्स है उनका जो एवरेज पी निकल कर आता है वो है 14.52 के पी रेशियो में, जबकि इसका जो शेयर है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको अभी देखने को मिल रहा है, 32.53 का इसका पी रेशियो निकल कर आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बारे में बात करें तो वो भी सेक्टर का जो पी वी रेशियो है उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू इसका जो है वो है 3.22 के रेशियो में इसका पी वी रेशियो निकल कर आता है। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 50.33 और इसका डिविडेंड परसेंटेज है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 रुपीज एंड डिविडेंड यील्ड है इसका 2.16%। और जो मार्केट से जो डिलीवरी उठी है वो 50.24, मतलब क्या बहुत सारे लोगों ने इसमें माल लिया है उसके तो कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बिजनेस या फिर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। जो प्राइस टू दैट इज EPS भी अगर हम देखें तो EPS भी इसका काफ़ी अच्छा है, दैट इज 4.98 का इसका 2020 में इसका EPS शो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी काम तो बहुत ही अच्छे करती है बट कंपनी जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है वो कंपनी किस तरह से कर पा रही है तो वो बहुत ही अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि आप देख सकते हो 2017 से लेकर 20 तक आपको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज द प्रॉफिट। क्योंकि आप देख सकते हो 2018 के बाद जो 19 में जो कंपनी ने शूट दिया है कंपनी के जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है, तो उसके कारण जो कंपनी जो वैल्यू थी जो मार्केट में इसका जो नाम था वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 2019 जो कंपनी ने रेवेन्यू किया था वो था 5,12,000 करोड़ रुपीज़ का, जो कि इस साल थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 5,18,000 करोड़ रुपीज़। और तो इस तरह की सिचुएशन में इस कोरोना सिचुएशन होने के कारण जो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाए बिकॉज जो कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कंट्रोल करने ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, जो कि 2019 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो था 0.56,000 करोड़ रुपीज़ जो कि इस साल हो चुका है 0.43,000 करोड़ रुपीज़। अब जो अच्छी बात लगी मुझे वो ये कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिली, डेट इज 54.75% विदाउट एनी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्ट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेट इज मोर देन 50% प्रमोटर होल्डिंग है। उससे अलावा आपको और क्या चाहिए, डेट इज म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में बात करो तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इसके अंदर 4.34%
और DII की होल्डिंग है 1.34%, FII की होल्डिंग है 4.31%, और रिटेल या फिर अदर इन्वेस्टर्स, मतलब क्या आपके जैसे और मेरे जैसे जो भी नॉर्मल क्वांटिटी में इसको शेयर में बाय करता है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए, तो इसका जो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 35.23%। अब जो कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आपको किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि 2019 के सितंबर क्वार्टर में जो कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 53.68% के फॉर्म में, जो कि इस साल सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी है 54.75 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि तो अगर हम बात करें पिछले साल की तो 1.07% जो प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी की बड़ी है, आपको उसमें कोई भी साल या फिर कोई भी क्वार्टर में आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। कंपनी है जो भी प्रमोटर्स हैं उनको खुद को कंपनी है भरोसा कि कंपनी इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा सा काम करने वाली है, फिर बहुत ही अच्छा सा इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस करने वाली है नियर फ्यूचर। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी जो रेवेन्यू स्टेटमेंट करें कंपेयर करें दो भाग में, दैट इज फर्स्ट दैट इज टॉप लाइन एंड द सेकंड वन इज द बॉटम लाइन। दैट इज टॉप लाइन दैट शोज कंपनी का जो भी मार्केट में सेल हुआ है वो, दैट इज टोटल इनकम, और बॉटम लाइन जो शो करती है कंपनी का मार्केट में जितना भी नेट प्रॉफिट या फिर कंपनी जितना भी प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में वो आपको बताता है, दैट इज नेट प्रॉफिट या फिर बॉटम लाइन। टॉप लाइन की अगर बात करें तो सेल्स का अगर हम बात करें, 2018 में जो कंपनी का सेल हुआ था वो था 3,177,000 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 5,087 करोड़ रुपीज़, और इस साल हो चुका है 5,154 करोड़ रुपीज़। अदर इनकम के बारे में बात करूँ जो कि 2018 में थी कंपनी की 25 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 36 करोड़ रुपीज़, और इस साल थोड़ी सी घटकर हो चुकी 34 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम को कंपनी के बारे में 2019 में बढ़कर हो चुकी थी 5,124 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुकी है 5,188 करोड़ रुपीज़। अब इंपॉर्टेंट बात यह कंपनी का जो भी करंट ईयर में जो भी नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि 2018 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 369 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 585 करोड़ रुपीज़, और इस साल कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट भले ही नहीं कर पाए बट फिर भी कंपनी ने अच्छी तरह से कंपनी में अपने आप को जो मार्केट में प्रेजेंस है वो आपको बनाते लगा है कंपनी ने। इस नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो है 432 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर हर साल आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, ऑल दो इस साल जो कंपनी टोटल प्रॉफिट सॉरी जो टोटल इनकम थी वो बढ़ी है, पर जो कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है, उसी कारण जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, क्योंकि 2018 में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 2,609 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 4,155 करोड़ रुपीज़, और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 4,426 करोड़ रुपीज़, तो उसी कारण जो कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इस साल आपको उसमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। अब हम कंपनी के परचेज रेशियोज कंपेयर कर लेंगे कि आपको रेशियोज किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है, आपको उसमें बाइंग बनानी चाहिए या नहीं, आपको किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है कंपनी का EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो EPS किस तरह से वैल्यूएशन आपको दे रहा है। 2018 में जो कंपनी का EPS था वो था 8.38 रुपीज़ पे अपर, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका था 14.01 रुपीज़, और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है फिर से 10.89 रुपीज़। हालांकि कंपनी के जो EPS है इस साल आपको उसमें डाउनफॉल देखने को मिला, बट जो रियल पोजीशन है कंपनी है वो आपको बता दें कंपनी की बुक वैल्यू, क्योंकि कंपनी 2018 में जो कंपनी की बुक वैल्यू थी वो थी 31.35 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 45.08 रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुके 50.08 रुपीज़। हालांकि आपको बता दूँ कि बुक वैल्यू मतलब क्या, बुक वैल्यू मतलब क्या, कंपनी जो भी मार्केट में एसेट्स है लाइबिलिटीज है वो किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। अगर समझ लो एसेट्स बढ़ जाते हैं कंपनी के कंपेयर टू लाइबिलिटी, तो जो कंपनी जो बुक वैल्यू उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर उसके अपोजिट अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाए कंपेयर टू द एसेट्स, तो जो कंपनी जो बुक वैल्यू उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, और वो एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। कंपनी जो डिविडेंड यील्ड के बारे में, दैट इज डिविडेंड के बारे में बात करूँ, क्योंकि डिविडेंड भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म या फिर अच्छा सा दिया है, जो कि 2018 में था 2 रुपीज़ पर शेयर, 19 में 3.5 रुपीज़ पर शेयर, और इस साल भी सेम 3.5 रुपीज़ पर शेयर। मार्जिन रेशियोज देखेंगे, मार्जिन रेशियो में सबसे जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, सेकेंड वन इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। सबसे जो रेशियो है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो वो क्या शो करता है,
कंपनी करंट ईयर में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है कंपेयर टू द जो भी कंपनी का सेल्स हुआ है वो उसका जो भी परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज फॉर द करंट ईयर, जो कि 2018 में था कंपनी का 24.39%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 22.88%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 21.41% के फॉर्म में। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी करंट ईयर में जो भी कंपनी जो भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होती है वो कंपनी की तरफ से कंपनी जो भी कैश फ्लोज कैश एक्टिविटी होती है उसको कंपनी किस तरह से ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रही है कि नहीं उसको आपको बताता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज, जो कि 2018 में था कंपनी का 18.65% पर, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 19.04 के परसेंटेज फॉर्म में और इस साल हो चुका है 15.77 के परसेंटेज फॉर्म में। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट करंट ईयर में कंपनी जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है अगर हम उसको एक परसेंटेज नेट सेल्स अगर कंपेयर करते हैं उसका जो परसेंटेज फॉर्म निकल कर आता है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, अगर वो भी आपको अगर कोई इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिले तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या फिर अच्छा इंडिकेशन होता है, बट ये केस में ऐसा नहीं है। जो कि 2018 में थी कंपनी की 11.49 के परसेंटेज फॉर्म में, जो कि 19 में थोड़ी सी घटकर हो चुकी थी 11.35 के परसेंटेज फॉर्म में, और इस साल और जो कंपनी का जो रेवेन्यू वो बढ़ा है बट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में नहीं देखने को मिले, तो उसी कारण जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, दैट इज 8.23 के परसेंटेज फॉर्म में। रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो रिटर्न रेशियोज पर जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, सेकेंड वन इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज आरओसी परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो सबसे पहले देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज होता क्या है, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर पाती है वो आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि था कंपनी का 2018 में 28.44%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 32.73%, और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 22.6% के फॉर्म में। कंपनी के आरओसी के बारे में बात करूँ दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 2018 में था कंपनी का 29.52%, 19 में 33.73%, और इस साल फिर से गिरकर हो चुका है 25.17% के फॉर्म में। आरओसी मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है कोई भी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में जितना ही पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, तो उसके ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट कमा पाती है वो आपको होता है आरओसी परसेंटेज, एंड द थर्ड वन इज द रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स है उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है वो आपको होता है रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज, जो कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट या फिर म्यूचुअल फंड हाउस के लिए बहुत ही बड़ा एक अच्छा इंडिकेटर होता है कंपनी को पॉइंट आउट करने के लिए कंपनी कितनी अच्छी एफिशिएंट है। जो कि 2018 में जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट था वो था 9% पर, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 8.02%, और इस साल फिर से ज़्यादा गिरकर हो चुका है 6.01 के परसेंटेज फॉर्म में। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी जो लिक्विडिटी रेशियो दैट इज शोज दैट इज करंट रेशियो, जो कि इंडियन रेशियो 2:1 के रेशियो में, बट अगर उससे ज़्यादा कम भी हो तो कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, जो कि 2018 में था कंपनी का 1.15 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 0.96, और इस साल और ज़्यादा कम हो चुका है 0.95 के रेशियो फॉर्म में। कंपनी के क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो आइडियली होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, दैट शोज द कंपनी की क्या एफिशिएंसी है कैश को मेंटेन करने के लिए अपने बिजनेस में करंट लाइबिलिटी दैट इज क्विक लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी की क्या कैपेसिटी है वो आपको देता है क्विक रेशियो, जो कि आइडियली 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा भी हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। जो कि 2018 में था कंपनी का क्विक रेशियो 0.95 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 0.82, और इस साल थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है 0.83 के रेशियो फॉर्म में। लेवरेज रेशियोज देखेंगे तो लेवरेज रेशियो में सबसे जो रेशियो है वो है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट शोज कंपनी जो भी मार्केट में डेटर्स है कंपनी कंपेयर टू जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो आपको होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर वो भी अगर समझ लो कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो कंपनी में निवेश करना एक रेड सिग्नल जैसा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर कंपनी अपने डेटर्स को भी पैसा नहीं दे सकती तो आपको पैसा कमा के कैसे देगी, ऐसा मेरा मानना है। जो कि 2018 में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो था वो था
0.93 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 1.12 और इस साल और ज़्यादा बढ़कर हो चुका है 1.15। तो ऐसा मेरा मानना है जब तक कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर कम नहीं होता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, बिकॉज कंपनी के जो भी मार्केट में डेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर से भी, प्रीवियस ईयर जो भी डेट्स हैं मार्केट में बढ़ रहे हैं कंपेयर टू जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो, जो कि आपको एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट अर्निंग होती है कंपेयर टू द कंपनी जो भी करंट ईयर में जो भी अर्निंग हुई है वो कंपनी क्या कैपेसिटी है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो वो आपको बता रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि 2018 में था कंपनी का 6.57%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 9.19% और इस साल फिर से ज़्यादा गिरकर हो चुका है 3.68%, दैट इज अगेन अ नेगेटिव इंडिकेशन। कंपनी के ग्रोथ रेशियोज देखेंगे तो ग्रोथ रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो एक कंपनी का सी दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दैट इज कंपेयर टू द सेल्स, तो उसका जो 2018 में जो CAGR था वो था 0.85 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 0.85% जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 33.38% और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है कंपनी सी दैट इज 28.16 के परसेंटेज फॉर्म में। CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द नेट प्रॉफिट कंपनी के तो बात करें तो 2018 में था कंपनी का CAGR ऑफ द नेट प्रॉफिट 369.05% पर, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 52.41 और इस साल फिर से ज़्यादा हो गया है और कंपनी का CAGR 25.19 का कंपनी का CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द CAGR नेट प्रॉफिट। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग डेज ऑर्डर बुक है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ही अच्छी डेज 10,000 करोड़ रुपये की कंपनी ऑर्डर बुक है, डेट इज़ अगर बात करें तो कंपनी जो 5,154 करोड़ रुपये से कंपनी जो रेवेन्यू उसमें जो रेवेन्यू हुआ एक्सपोर्ट से वो हुआ है 35% जो रेवेन्यू हुआ है कंपनी का वो हुआ है एक्सपोर्ट बिजनेस से, और जो कंपनी की जो मार्केट में ग्लोबल पेटेंट्स है तो मतलब क्या अगर कंपनी जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड करती है उसके थ्रू तो कंपनी की इनकम होती ही है, बट उनके जो पेटेंट्स है उसके थ्रू भी कंपनी की अच्छी खासी रॉयल्टीज मिलती है तो उसके थ्रू भी कंपनी की खासी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है, डेट इज़ उनकी जो पार्टनरशिप है डेट इज़ 358 पेटेंट्स उसकी जो पार्टनरशिप्स है मेन वो किस किस के साथ है डेट इज़ ओपन इनोवेशन नेटवर्क्स MIT और रजर्स जैसी बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं उनके साथ इसके बहुत बड़े ज़्यादा पार्टनरशिप फॉर्म्स भी हैं। और इसके बात करें तो 50 mm की जो ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलती है, बट यह कंपनी ने वो मुमकिन के डेट इज़ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने वो मुमकिन किया और इसके जो पूरे इंडिया में अभी तक टोटल 4 इनोवेशन सेंटर्स और 7 ग्लोबल प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी है, और इसका जो सिग्नल या फिर आप बात करें कंपनी के बारे में तो 0 वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफाइड कंपनी है, डेट इज़ अगेन अ गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेचर की बात करें तो, और 30+ नेशनलिटीज ऑफ द पीपल डेट इज 3.1K+ एसोसिएट्स एंड सेकेंड नंबर द ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनी भी है। यह कंपनी मैंने आपको पहले ही बोला यह कंपनी 150+ कंट्रीज में काम करती है और इस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो मोर देन 30+ जो वेराइटीज़ के लोग होते हैं, मतलब इंडियन अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड्स ऑफ पीपल्स आर बीन वर्किंग इन दिस कंपनी डेट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कंपनी के अंदर। और जो सर्विसेज जो अभी एंड टू एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उसके अंदर भी अभी सिर्फ मैं नाप ले लूँगा डेट इज ऑप्टिकल कनेक्टिविटी फाइबर डिप्लॉयमेंट FTTX एक्सेस नेटवर्क नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन पोर्टफोलियो ऑफरिंग्स के बारे में बात करते हो तो उनके पास क्या क्या है ऑफर करने के लिए अपने कस्टमर्स को या फिर बहुत बड़े बड़े ग्लोबल पार्टनर्स को, तो वो है ऑप्टिकल इंटरकनेक्ट प्रोडक्ट्स सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज एक्सेस नेटवर्क प्रोडक्ट्स एंड द लास्ट वन इज द नेटवर्क प्रोडक्ट्स सॉरी नेटवर्क सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। अगर आपको इनमें से किसी का भी मतलब नहीं पता हो तो आप उसको गूगल कर सकते हो और आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी जो है बहुत ही बड़े लेवल पे कंपनी का बिजनेस होता है और कंपनी के पास जो कस्टमर्स है या फिर बड़े बड़े जो बिजनेस पार्टनर्स है उनको ऑफर करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज मार्केट में इसने अवेलेबल करके रखी है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो शेयर है करंटली मार्केट पे कितने पे ट्रेड हो रहा है, जो आज इसने क्लोजिंग दी है वो है 162 रुपीज़ पर, डेट इज़ 1.81% यह शेयर आज गिरा, डेट 3 रुपीज़ 162 पर आज इसने मार्केट क्लोजिंग दी है, और इसका जो 5-year हाई की बात करें तो वो है 415 रुपीज़, दैट इज़ अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो ऑलमोस्ट हुआ आपको देखने को डेट इज ऑलमोस्ट 415 से आपको यह शेयर आराम से आपको 150% डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। अगर आपको स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का जो मार्केट में जो प्रेजेंस है कंपनी किस तरह से काम करती है वो अगर आपको अच्छे से समझ गया हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं,
फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो, अगर अभी भी आपको इसमें बाइंग बनानी है तो आपको यह शेयर 150 या 140 से जितना नज़दीक आए तब आपको इसमें बाइंग बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको इसमें अच्छी खासी बाइंग भी करनी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर आप अपनी खुद से रिसर्च करिए, ताकि आपको पता चल सके कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो किस तरह की कंपनी है, किस तरह का इसका मार्केट प्रेजेंस है, मार्केट शेयर क्या है इसका, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो होप करता हूँ कि आपको जो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का अभी जो हमने एनालिसिस किया हो वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का अभी एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिए, ताकि आपके सामने वो कंपनी का एनालिसिस आपके सामने हम जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।